हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में डेफिनेटली वन और टू क्वेश्चंस देखे ही जाते हैं टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स फाइव ईयर प्लान्स तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइव ईयर प्लान आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ अबाउट ऑल द फाइव ईयर प्लान्स तो टोटल ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पे टोटल टॉप फिफ्टी एम सी क्यूज़ इस टॉपिक से यहाँ पे कवर करेंगे तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होगा इस टॉपिक के ऊपर तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले डिस्कस करते हैं सारे फाइव ईयर प्लान्स को और वीडियो के एंडिंग में हम टॉप फिफ़्टी एम सी क्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे बात करते हैं पहले फ़ाइव ईयर प्लान के बारे में ब्रीफ में देखिए फाइव ईयर प्लान होता क्या है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड द फाइव ईयर प्लान इन नाइनटीन फिफ्टी वन टू एक्सलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू इन्होंने फाइव ईयर प्लान को इनिशिएट किया था नाइनटीन फिफ्टी वन में ताकि जो इंडिया का यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बढ़े एक्सलरेट हो ठीक है तो इसको स्टार्ट किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अबॉलिश द प्लानिंग कमीशन एंड रिप्लेस डेट विद नीति आयोग ऑन जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन विद द एम ऑफ गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले जो था प्लानिंग कमीशन हुआ करता था बट यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो है यहाँ पे अबोलिश किया और इसे इसे रिप्लेस किससे किया है इन्होंने नीति आयोग को इसे प्लानिंग कमीशन से इन्होंने रिप्लेस किया है नीति आयोग को यहाँ पे जनवरी फ़र्स्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन को स्टैब्लिश किया गया ताकि यहाँ पे जो इंडिया की डेवलपमेंट है उसको एक न्यू डायरेक्शन मिले चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ़ इंडिया स्टार्टेड इन 1951 द टवल्थ फाइव ईयर प्लान इज़ कंसीडर्ड एज द लास्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया तो यहाँ पे जो पहला फाइव ईयर प्लान था ये 1951 में स्टार्ट हुआ था और टोटल कितने फाइव ईयर प्लान्स हैं यहाँ पे टोटल फ्रेंड्स ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान्स हैं तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया अडोप्टेड द फाइव ईयर प्लान फ्रॉम रशिया कंट्री तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स यहाँ पर कि फाइव ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री से लिया गया है तो इसको रशिया से लिया गया नेक्स्ट जोसेफ स्टैलिन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इम्प्लीमेंटेड द फाइव ईयर प्लान इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एट इन द सोवियत यूनियन तो सोवियत यूनियन में नाइनटीन ट्वेंटी एट में पहली बार फाइव ईयर प्लान को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था किसके द्वारा जोसेफ़ स्टैलिन के द्वारा नेक्स्ट पॉइंट द प्लानिंग कमीशन वॉज द मेन एम मेन टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग द फाइव ईयर प्लान तो यहाँ पे फाइव ईयर प्लान जो यहाँ बनाए जाते थे फ्रेंड्स इसका यहाँ पे फॉर्मुलेशन जो ये कौन करते हैं प्लानिंग कमीशन तो प्लानिंग कमीशन एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी फॉर फाइव ईयर प्लान्स यहाँ पे बात करें फाइव ईयर प्लान के बारे में देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लानिंग कमीशन द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्मड ऑन फिफ्टी मार्च नाइनटीन फिफ्टी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इट्स चेयरमैन तो फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन को फिफ्टीथ मार्च नाइनटीन फिफ्टी को यहाँ पे फॉर्म किया गया था और इसके चेयरमैन कौन होते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इसके या फिर फर्स्ट चेयरमैन ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल नंदा नेक्स्ट देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है तो इट वॉज फॉर्मड ऑन सिक्स अगस्त नाइनटीन फिफ्टी टू विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपरली ऑपरेशनलाइजिंग द फाइव ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड बाई द प्लानिंग कमीशन तो यहाँ पे जो फाइव ईयर प्लान्स है फ्रेंड्स इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं प्लानिंग कमीशन और ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है नहीं इसको कौन देखता है ये देखता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इसको जो है फॉर्म किया गया था सिक्स अगस्त नाइनटीन को यहाँ पे देखिए टोटल सारे यहाँ पे फाइव ईयर प्लान्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको सारे ईयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे देखिए फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से 56 तक था सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956 से 61 तक थर्ड फाइव ईयर प्लान था 1961 से 66 तक यहाँ पे इसके बाद आया था फर्स्ट प्लान लीव इसके बाद आया फ्रेंड्स फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1969 से 1974 तक फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आया 1974 से 78 तक इसके बाद आया था फ्रेंड्स रोलिंग प्लान नेक्स्ट इसके बाद आया सिक्स फाइव ईयर प्लान 1980 से 85 तक सेवन्थ फाइव ईयर प्लान 1985 से 1990 तक और बीच में फिर आया फ्रेंड्स थर्ड प्लान लीव नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में तो आपको कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगा फ्रेंड्स अबाउट फाइव ईयर प्लान तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा यकीन मानिए फ्रेंड्स वीडियो के एंडिंग तक ना आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस टॉपिक से मिल जाएंगे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके नहीं छूटेंगे नेक्स्ट देखिए एट्थ फाइव ईयर प्लान आया जो कि नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक था नाइन्थ फाइव ईयर प्लान नाइनटी से लेकर टू तक टेंथ फाइव ईयर प्लान टू से सेवन तक इलेवंथ फाइव ईयर प्लान था 2007 से 2012 तक और इसके बाद ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान था फ्रेंड्स 2012 से लेके 2017 तक आई होप आपको ये सारे ईयर्स जो हैं फ्रेंड्स क्लियर हैं तो आपको ये हर एक ईयर जो है याद रखना है एग्जाम में कभी कभी फ्रेंड्स डायरेक्टली जो ईयर है ना ये पूछा जाता है स्पेशली जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान है ना ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप डबल स्टार यहाँ पे कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं और देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से अभी हमने देखा नाइनटीन से लेके फिफ़्टी तक था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान देखिए अगर आपसे एग्जैक्ट डेट यहाँ पर पूछा जाए तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लास्टेड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इट वॉज बेस्ड ऑन द हैरोड डोमर मॉडल तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये किसके ऊपर आधारित था यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था इट वॉज प्रेजेंटेड इन दिन इंडियन पार्लियामेंट बाई जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इसको फ्रेंड्स भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था नेक्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर वॉज गिवन हाई प्रायोरिटी इन दिस स्कीम तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो तो वो क्या था फ्रेंड्स ये था एग्रीकल्चर द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ दिस प्लान वॉज टू पॉइंट वन परसेंट व अचीव्ड ग्रोथ रेट वॉज थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्रोथ है ये देखा गया एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू पॉइंट वन परसेंट रखा गया था और देखा कितना गया यहाँ पे अचीव्ड ग्रोथ था यहाँ पे थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज नेक्स्ट पॉइंट देखिए द ओवरऑल इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड एलेवन परसेंट इन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द प्लान यहाँ पर इलेवन परसेंट इनक्रीज़ देखा गया नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ़ द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया एवं भारत के लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना था नेक्स्ट देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लॉन्च इन चेन्नई तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में फ्रेंड्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लॉन्च किया गया कहाँ पर चेन्नई में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेजर वर्क्स यहाँ पे क्या क्या हुए देखिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में तो इस प्लान के दौरान फ्रेंड्स यहाँ पे भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को कवर किया गया दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट को यहाँ पे बनाया गया ब्यास प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिया गया नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ 1956 फाइव इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो पांच आई को भी फ्रेंड्स इस्टेब्लिश किया गया बाई द एंड ऑफ नाइनटीन जो कि आया अंडर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो अगर आपसे पूछा जाए कि आई का इस्टैब्लिशमेंट फ़र्स्ट यहाँ पे फ़ाइव आई का इस्टैब्लिशमेंट तो देखा गया किस फाइव ईयर प्लान में तो ये देखा गया फ्रेंड्स फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में ओके चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बारे में तो देखिए यहाँ पे हमने कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड दे दी है चाहे वो ईयर हो यहाँ पे मेन फोकस क्या था ये मैंने आपको बता दिया इस मॉडल का नाम क्या था इसको पार्लियामेंट में किसने पेश किया ग्रोथ रेट कितना था राइट right. और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल जो इंक्रीज था परसेंटेज में ये मैंने बताया कौन कौन से मेजर वर्क्स यहाँ पे देखे गए तो ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है तो इसी तरीके से हम सारे जो फाइव ईयर प्लान्स हैं उनसे रिलेटेड इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अब देखिए सेकेंड फाइव ईयर प्लान फ्रेंड्स नाइनटीन से सिक्सटी तक था यानी कि एग्जैक्ट फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन से लेकर थर्टी मार्च नाइनटीन तक यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सेकेंड फाइव ईयर प्लान का स्टैब्लिश सोशलिज्म इसका मेन ऑब्जेक्टिव था और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्ट या इंपॉर्टेंट अगर कुछ यहाँ पे फाइव ईयर प्लान है तो ये है सेकेंड फाइव ईयर प्लान यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन दिखा ही देखा जाता है ठीक है क्योंकि सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो है ना यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका मेन फोकस क्या था या फिर इसके कौन से मॉडल के नाम से जाना जाता है तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो हैं सेकेंड फाइव ईयर प्लान से आते ही आते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट देखिए द स्कीम वॉज बेस्ड ऑन पी सी मोहल्नबिस फोर रीजनल मॉडल तो इसे पी सी मोहल्लबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट इट वॉज प्रेजेंटेड इन इंडियन पार्लियामेंट बाई जवाहरलाल नेहरू तो इसको भी यहाँ पे प्रजेंट किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट जहाँ था यहाँ पे फ्रेंड्स फोर पॉइंट फाइव परसेंट और एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे देखा गया था जो कि लोअर था देन एक्सपेक्टेड फोर पॉइंट टू सेवन परसेंटेज इन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्सड इकोनॉमी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना अगला पॉइंट इन दिस प्लान अ टारगेट वॉज सेट टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाई ट्वेंटी इन फाइव ईयरस टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री इन दिस हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल वर गिवन हाई प्रायोरिटी एम्फेसिस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर एंड ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर वॉज स्पेंड तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाई प्रायोरिटी किस पे दिया गया हैवी इंडस्ट्रीज और मिनरल्स पर तो अभी आपने देखा यहाँ पे है जो है मेजरली बात की गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड प्रायोरिटी वॉज गिवन टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन विच ट्वेंटी ऑफ़ द अमाउंट वॉज स्पेंट तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर ट्वेंटी ऑफ द मनी को यहाँ पर स्पेंड किया गया मैनी इंपॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्रीज सच एज स्टील प्लांट्स तो पहले फाइव ईयर प्लान में आई को इस्टैब्लिश किया गया सेकेंड फाइव ईयर के दौरान फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टील प्लांट्स हैं भिलाई में रौरकेला में दुर्गापुर में इनको सेटअप किया गया आगे बढ़ते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान देखिए फ्रेंड्स थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था ये फर्स्ट अप्रैल 1961 से लेके थर्टी मार्च 1966 तक था और ये प्लान को फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन सैंडी एंड सुखमोई चक्रवर्ती मॉडल के नाम से भी जाना जाता है इसको प्रेजेंट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में जब बाई जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी सेल्फ सफिशियंट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट द फोकस वॉज ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड वीट प्रोडक्शन इन दिस स्कीम बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर गिवन हाई प्रायोरिटी तो पहले आपने देखा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में फ्रेंड्स एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई सेकेंड फाइव ईयर जो प्लान था यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था फ्रेंड्स यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई थी नेक्स्ट पॉइंट पंचायत इलेक्शन वर स्टार्टेड फॉर डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई और इस स्कीम को फ्रेंड्स गडगिल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है थर्ड फाइव ईयर प्लान के दौरान फ्रेंड्स बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में इसे स्टैब्लिश किया गया आई बैंक को स्टैब्लिश किया गया यहाँ पे देखिए प्लान फेल टू अचीव इट्स टारगेट यहाँ पे टारगेट जो रखा गया था ग्रोथ रेट का वो 5.6 परसेंट था बट यहाँ पे जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था फ्रेंड्स ये था 2.4 परसेंट तो ये काफ़ी कम था नेक्स्ट द फेलियर ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान फोर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर थ्री प्लान हॉलीडेज नाइनटीन सिक्सटी सिक्स से सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन से सिक्सटी एट और सिक्सटी एट से सिक्सटी नाइन तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था ये फेल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट को फोर्स किया गया टू डिक्लेयर थ्री प्लान हॉलीडेज नेक्स्ट पॉइंट द साइन इंडिया वॉर इंडिया पार्क वॉर वर द प्राइमरी रीजन फॉर द प्लानिंग हॉलीडे एंड अदर फैक्टर्स वर रिसोर्स कार सिटी प्राइज राइज ड्यू टू द इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रॉट दैट लेट द फेलियर ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान तो ये प्लान हॉलीडेज़ डिक्लेयर करने का मेन रीज़न क्या था यहाँ पे मेन रीज़न था फ्रेंड साइनो इंडिया वॉर एंड देन इंडिया पाकिस्तान वॉर और यहाँ पे रिसोर्स की भी काफ़ी कमी थी तो ये सारे जो थे वन ऑफ द मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ पे प्लान हॉलीडेज़ को डिक्लेयर किया गया था अब बात करते हैं प्लान हॉलीडेज़ के बारे में जो कि 1966 से सिक्सटी तक था क्योंकि यहाँ पर थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था ये फेल हो गया था यहाँ पे प्लान हॉलिडे को इम्प्लीमेंट किया गया द मेन रीजन बिहाइंड द डिकमिशंग डिकमिशिंग ऑफ प्लान वॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड चाइना इंडिया वॉर विच वॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द थर्ड फाइव ईयर प्लान तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान वर मेड एंड एग्रीकल्चर वॉज गिवन इक्वल प्रायोरिटी टू इट्स अलाइड सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर गवर्नमेंट अनाउंसेज डिवेलुएशन ऑफ रूपी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री तो यहाँ पे फ्रेंड्स फाइव ईयर प्लान को हटा के जो है एनुअल प्लान्स बनाए गए थे तो इसमें यहाँ पर क्या प्रायोरिटी दी गई थी देखिए इस योजना के दौरान जो है वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि को उसके संबंधित क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को सम्मान प्राथमिकता दी गई देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये को अवमूल्यन की घोषणा की नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्थ फाइव ईयर प्लान वॉज लॉन्च ओनली इन नाइनटीन तो यहाँ पे फोर्थ फाइव ईयर प्लान को कब लॉन्च किया गया इसको 1969 में लॉन्च किया गया बात करते हैं फोर्थ फाइव ईयर प्लान की तो ये देखिए लास्ट किया था फर्स्ट अप्रैल 1969 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सेवेंटी फोर तक इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ़ इंदिरा गांधी इन दिस प्लान अ लॉट ऑफ इंफेसिस वॉज लेड ऑन प्रोग्रेस टूवर्स डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस विद स्टेबिलिटी तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया नेक्स्ट गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेजर यहाँ पे फोर्टीन बैंक्स हैं इनको नेशनलाइज किस प्लान के दौरान किया गया तो इसको फोर्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान जो है नेशनलाइज़ किया गया इसरो को इस्टेब्लिश किया गया अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए जो कि था स्माइलिंग बुद्धा कोड नेक्स्ट देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ये भी इस दौरान ही हुआ था तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रोथ रेट यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.7 परसेंट था बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे देखा गया 3.4 परसेंट द मेन रीज़न फॉर फेलियर ऑफ दिस स्कीम वॉज द अराइवल ऑफ़ बांग्लादेश रेफ्यूजीज़ यहाँ पे इस यहाँ पे प्लान का फेलियर का रीज़न था फ्रेंड्स बांग्लादेश रेफ्यूजीज थे जो ये आने के ओके okay. नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बारे में तो ये लास्ट किया था फ्राम फर्स्ट अप्रिल नाइनटीन सेवेंटी फोर टू थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सेवेंटी एट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाई इंदिरा गांधी इन द इंडियन पार्लियामेंट ये स्कीम फ्रेंड्स एम्फोसिस करता था ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन गरीबी हटाओ जो है ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान आया द मिनिमम नीड प्रोग्राम लॉन्च इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम एम्ड एट प्रूविंग प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इस योजना के पहले वर्ष शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था एम एन पी वॉज प्रपेयर्ड बाई डी पी धार तो एम एन पी को जो है फ्रेंड्स डी पी धर के द्वारा तैयार किया गया नेक्स्ट देखिए इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस दौरान एमरजेंसी फ्रेंड्स डिक्लेयर किया गया था बाई इंदिरा गांधी ये भी फ़िफ्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान हुआ द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान लास्ट ओनली फोर ईयर्स तो ये सिर्फ फ्रेंड्स चार साल ही चला था ये जो फाइव ईयर प्लान है ओके फिफ्थ फाइव ईयर प्लान द मोारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्ट द प्लान इन नाइनटीन सेवेंटी एट नाइनटीन सेवेंटी एट में फ्रेंड्स मुरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इस प्लान को रिजेक्ट किया यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट फोर पॉइंट फोर परसेंट था और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो देखा गया ये था फोर पॉइंट एट परसेंट और इसके बाद आया फ्रेंड्स रोलिंग प्लान जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बाद अगर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है फाइव ईयर प्लान टॉपिक से तो ये है रोलिंग प्लान इसके बारे में देखिए रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स फाइव ईयर प्लान 1978 में और इसे जो है फ्रेंड्स गुनार मिर्डाल के द्वारा जो है कॉइन किया गया था इसके बारे में देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट द प्लान वॉज अगेन रिजेक्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट वेन इट केम इन पावर इन नाइनटीन एंड न्यू सिक्स प्लान जो है इसे फॉर्मुलेट किया गया तो अभी आपने देखा यहाँ पे फ्रेंड्स मुरारजी देसाई सरकार ने फ्रेंड्स 1978 में इस योजना को खारिज किया था किसी फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को तो इसके बाद आया था रोलिंग प्लान बट रोलिंग प्लान जब आया तो इसको फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ पर रिजेक्ट किया गया उस गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट किया गया और इसके बाद आया था सिक्स फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट पॉइंट द मेन एडवांटेज ऑफ रोलिंग स्कीम्स इज़ दैट दे आर फ्लेक्सिबल रोलिंग प्लान इज़ अ स्कीम इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम इज असेस्ड एवरी ईयर एंड बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट अ न्यू प्लान इज मेड नेक्स्ट ईयर तो यहाँ पे रोलिंग प्लान जो होता है फ्रेंड्स ये ईयरली बनाया जाता है तो यहाँ पे इसका मेन एडवांटेज यही है कि ये काफ़ी फ्लेक्जिबल है जैसे ही यहाँ पे वन ईयर में जो ग्रोथ है वो देखा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू प्लान को बनाया जाता है ओके okay. अब आता है फ्रेंड्स सिक्स फाइव ईयर प्लान तो आपने जैसे देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था रोलिंग प्लान को उसके तो बाद सिक्स फाइव ईयर प्लान आया ये 1980 और 1985 तक था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव कमेटी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेटअप तो नाबार्ड जो है फ्रेंड्स इसको यहाँ पर सेटअप किया गया था इस फाइव ईयर प्लान में नेक्स्ट पॉइंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड नेक्स्ट दिस वॉज सीन एज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म तो एग्जाम में पूछा जाए कि किस फाइव ईयर प्लान में एंड देखा गया नेहरूवियन सोशलिज्म का तो करेक्ट आंसर सिक्स फाइव ईयर प्लान हो जाएगा टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.2 परसेंट था और एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया 5.7 परसेंट आगे बढ़ेंगे सेवन्थ फाइव ईयर प्लान देखिए द सेवन फाइव ईयर प्लान लास्टेड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 1885 टू थर्टी मार्च 1990 1995 है ये 1885 एटी फाइव में नाइनटीन से लेके 1990 तक ये था द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द फाइव ईयर प्लान एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थ्रू द यूज ऑफ़ टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की जाए ये इसका मेन फोकस था इस फाइव ईयर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट पर कैपिटल इनकम अंडर द स्कीम इंक्रीज एट द रेट ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट पर एन एम यहाँ पर टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया था फाइव परसेंट और एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया सिक्स पॉइंट जीरो वन परसेंट नेक्स्ट द प्लान गिव द स्लोगन फूड वर्क एंड प्रोडक्शन तो इस योजना में फ्रेंड्स भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए बात करें एट्थ फाइव ईयर प्लान की तो फ्रेंड्स ये था फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 1992 नाइन्टी टू टू थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द पार्लियामेंट बाई पी वी नरसिमहर राव एट्थ फाइव ईयर जो प्लान था फ्रेंड्स ये प्रमोट कर रहा था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ओके नेक्स्ट एल रिफॉर्म जो था ये भी एट्थ फाइव ईयर प्लान में आया था एल रिफॉर्म क्या है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो एल का ये फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम नाइनटीन जो आया है फ्रेंड्स ये भी लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दिस प्लान द एटथ फाइव ईयर प्लान ऑल्सो इंपोसाइज्ड ऑन द इंक्लूजन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट इन दिस फाइव ईयर प्लान मिड डे मील स्कीम आया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये भी इंट्रोड्यूस किया गया टारगेटेड ग्रोथ रेट फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट था और एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया सिक्स पॉइंट एट परसेंट तो ये जो ग्रोथ रेट है फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सबको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं कवर यहाँ पे कर रही हूँ फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक like ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम वीडियोज़ लाते रहेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और नाइन्थ फाइव ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे ये था फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 1997 नाइन्टी सेवन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में बाई अटल बिहारी वाजपेयी और फ्रेंड्स नाइन्थ फाइव ईयर प्लान जो था ये बात कर रहा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इट मार्क्ड फिफ्टी ईयर्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट द नाइन्थ फाइव ईयर प्लान सॉ सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट तो यहाँ पे नाइन्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ नाइनटीन में करगिल वॉर हुआ नाइन्टीन में और सर्व शिक्षा अभियान आया टू में टारगेटेड ग्रोथ रेट सिक्स था और यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया फाइव पॉइंट फाइव परसेंट और ये प्लान जो है फेल क्यों हुआ था ये हुआ था ड्यू टू इंटरनेशनल रेसेशन अगला यहाँ पे आता है टेंथ फाइव ईयर प्लान तो टेंथ फाइव ईयर प्लान जो था ये था फ्रॉम फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द पार्लियामेंट बाय अटल बिहारी वाजपेयी एग्रीकल्चर जो था फ्रेंड्स यहाँ पे कंसीडर किया गया था एज प्राइमरी इंजन ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नेंस साथ में यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया एट पॉइंट वन परसेंट और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था ये हुआ है यहाँ पे सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट अब आएगा फ्रेंड्स इलेवंथ फाइव ईयर प्लान तो ये था फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द पार्लियामेंट बाई मनमोहन सिंह और फ्रेंड्स इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान जो था इसे आउटलाइन किया गया था भाई सी रंगराजन द मेन थीम ऑफ द इलेवंथ फाइव ईयर प्लान वॉज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ तो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये इसका मेन थीम था इट ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाई टू थाउजेंड नाइन तो इसे इसमें फ्रेंड्स वर्ष दो हजार नौ तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बल दिया गया द टारगेटेड ग्रोथ रेट यहाँ पे था फ्रेंड्स नाइन परसेंट और एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया एट परसेंट ठीक है और नेक्स्ट देखिए इन द इलेवन फाइव ईयर प्लान द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूसड इन टू थाउजेंड नाइन विच केम इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड टेन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी इसी फाइव ईयर प्लान के दौरान यहाँ पे देखा गया फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आया था इन टू या फिर आप कह सकते हैं लागू हुआ था ये टू थाउजेंड टेन में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेजर जो यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च हुए थे इस फाइव ईयर प्लान में वो कौन से थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और राजीव आवास योजना तो ये सारे जो स्कीम्स हैं फ्रेंड्स इस एलेवंथ फाइव ईयर प्लान में लॉन्च किए गए नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लास्ट यहाँ पे फाइव ईयर प्लान जो कि ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान ये था फ्रेंड्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन ये हमारे इंडिया का लास्ट फाइव ईयर प्लान था जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाई मनमोहन सिंह इन द पार्लियामेंट द स्लोगन ऑफ द स्कीम वॉज यहाँ पे स्लोगन क्या दिया गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ द गोल वॉज टू रिड्यूस पॉवर्टी बाई टेन परसेंट ड्यूरिंग द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वॉज टू बी केप्ट एट फोर परसेंट एंड मैनुफेक्चरिंग ग्रोथ रेट एट टेन परसेंट तो यहाँ पे ग्रोथ रेट को सेट किया गया था रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी ये टेन परसेंट रखा गया एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रखा गया फोर परसेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट रखा गया यहाँ पे टेन परसेंट टारगेटेड ओवरऑल जो यहाँ पे ग्रोथ रेट रखा गया था फ्रेंड्स ये था नाइन परसेंट और अचीव्ड यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना था ये था एट परसेंट ओके तो ये है फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान्स आई होप आपको ये क्लियर है आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पे पी डी के वेबसाइट के बारे में यह है डब्ल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की जी के एंड करंट अफेयर्स की जो पी डी एफ्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश ये आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए मंथली पी डी एफ जो होता है करंट अफेयर्स का जहाँ पर आपको फाइव फिफ्टी प्लस एम सी क्यूज़ एंड वन लाइनर मिलेंगे वो भी टॉपिक वाइज ये मिल जाएगा लास्ट सेवन मंथ का यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का पी डी एफ मिल जाएगा और इसके अलावा ईयरली पी डी एफ़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक फ्रेंड्स परचेज़ करनी है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम टॉप फिफ़्टी एम सी क्यूज़ अभी तक आपने देखा यहाँ पर हमने डिस्कस किए सारे थ्योरी पार्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू फाइव ईयर प्लान वो मैंने आपको बता दिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप फिफ्टी एम सी क्यूज़ को पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विच फाइव ईयर प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज गडगिल प्लान तो गडगिल प्लान के नाम से जाना जाता है थर्ड फाइव ईयर प्लान अगला क्वेश्चन द इंडियन द इंडिया फाइव ईयर प्लान सिस्टम वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया वॉट इज़ द नेम ऑफ रशियन लीडर हु फर्स्ट इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट फाइव ईयर फाइव ईयर प्लान अप्रोच इन रशिया फ्रेंड्स मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए इंडिया ने जो है फाइव ईयर प्लान को अडॉप्ट किया है फ्रॉम रशिया आपको बताना है कि रशिया के लीडर कौन है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था फाइव ईयर प्लान रशिया में फ्रेंड्स ये थे जोसेफ स्टैलिन अगला क्वेश्चन द प्लान बिटवीन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान एंड सिक्स फाइव ईयर प्लान इज़ नोन एज तो पाँचवां यहाँ पे जो फाइव ईयर प्लान था और छठवा फाइव ईयर प्लान इनके बीच में कौन सा प्लान आया था इसके बीच में आया था रोलिंग प्लान अगला हु आर द यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लान ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान करेक्ट आंसर के एन राज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इन विच फाइव इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज पॉवर्टी एलिविएशन मैंशनड तो पॉवर्टी एलिविएशन यानी कि गरीबी उन्मूलन का जो बात है फ्रेंड्स ये किया गया है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में अगला क्वेश्चन व्हाट वाज़ द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो टॉप प्रायोरिटी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में था एग्रीकल्चर आपका अगला क्वेश्चन व्हाट वाज़ द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं ड्यूरेशन था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का नाइनटीन से फिफ्टी अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान इम्फेसिस ऑन रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ करेक्ट आंसर ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट रहेगा विच फाइव ईयर प्लान मॉडल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कमीशन मॉडल फ्रेंड्स ये कहा जाता है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को आपका अगला क्वेश्चन इंडियाज़ एर्ट्थ फाइव ईयर प्लान डिलेड ड्यू टू तो इंडिया का जो एर्ट्थ फाइव ईयर प्लान है ये किस वजह से डिले हुआ था ये हुआ था पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी एट द सेंटर की वजह से चलिए आगे बढ़ते हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्पेशल एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर राइट आंसर फोर्थ फाइव ईयर प्लान फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन डैश वॉज गिवन इम्पॉटेंस इन द फर्स्ट सेवन फाइव ईयर प्लान तो यहाँ पे पहली सात जो पंचवर्षीय योजना है इसमें किसको यहाँ पे महत्व दिया गया था यहाँ पे फ्रेंड्स बात की गई थी सेल्फ सफिशियंसी की यानी कि आत्मनिर्भरता की नेक्स्ट इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान डिट शिव रामन कमेटी रिकमेंड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स नाबार्ड जो है इसका इस्टैब्लिशमेंट किस फाइव ईयर प्लान में किया गया है इसको स्टैब्लिश किया गया सिक्स फाइव ईयर प्लान में आपका अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन पॉवर्टी एलिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया तो पॉवर्टी एलिविएशन की बात सबसे पहली बार की गई थी फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में अगला क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान तो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान से यहाँ पे एसोसिएटेड है देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे एट परसेंट था एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट यहाँ पे टारगेट सेट किया गया था फोर परसेंट द प्रिंसिपल कंप्यूटिंग ratio ऑफ कंजम्पन poverty शुड भी reduced टू टेन परसेंट तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारे वेब एप्लीकेशन के बारे में ये है रवि स्टडी जी के नाम से इस ऐप को आप यहाँ पे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर आपको डेली क्विजर्स मिल जाएंगे जिसको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं तो अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो कोर्सेज़ चाहिए या फिर क्विज़स को आपको सॉल्व करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डेफिनेटली इंस्टॉल करिए ओके नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ़ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑलरेडी हमने डिस्कस किया नाइनटीन टू फिफ्टी अगला क्वेश्चन वट वॉज द ग्रोथ रेट अचीवड इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन द इंडिया अगेंस्ट टारगेट ऑफ टू पॉइंट वन परसेंट टारगेट रखा गया था और अचीव कितना किया गया थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट नेक्स्ट वट वॉज द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन फ्रेंड्स ये बेस्ड था ऑन हेरोड मॉडल अगला ऑन विच मॉडल वॉज सेकेंड फाइव ईयर प्लान बेस्ड ये बेस्ड था ऑन फ्रेंड्स पी सी मोहल्ल मॉडल अगला विच स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ वेस्ट जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड फाइव ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे सेकेंड फाइव ईयर जो प्लान था फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था रॉरकेला स्टील प्लांट को नेक्स्ट व्हाट वाज द सेकंड फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन ये फोकस कर रहा था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आगे बढ़ते हैं व्हाट वाज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया तो थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था फ्रेंड्स यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट इकोनॉमी अगला क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान वॉज़ टू मेक इंडिया तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था थर्ड फाइव ईयर प्लान का फ्रेंड्स ये था टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशेंट अगला क्वेश्चन विच फाइव ईयर प्लान फेल ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वॉर आफ्टर इंडिया चाइना वॉर तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड इंडिया चाइना वॉर की वजह से जो प्लान फेल हुआ था फ्रेंड्स ये था थर्ड फाइव ईयर प्लान और इसके बाद ही जो है एनुअल प्लान्स आए थे नेक्स्ट विच फाइव ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज़ पावर एंड ट्रांसपोर्ट करेक्ट आंसर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया ले स्पेशल इम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर एजुकेशन एंड मैन पावर की बात की गई फ्रेंड्स फोर्थ फाइव ईयर प्लान में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स जो बी है ये राइट right आंसर है अगला रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव द फ्रेमवर्क ऑफ ड्राफ्ट फाइव ईयर प्लान्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान करेक्ट आंसर फोर्थ फाइव ईयर प्लान आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वॉर टू प्लेस ज्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान तो कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी यहाँ पे देखी गई थी फ्रेंड्स इंडिया पाकिस्तान वॉर अगला रहेगा हाउ मेनी इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज इन द फोर्थ फाइव ईयर प्लान तो टोटल फोर्टीन बैंक्स को जो है यहाँ पे नेशनलाइज किया गया था आपका अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान एट द शिवरामन कमेटी कमिटी रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट तो नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट फ्रेंड्स की गई थी यहां आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी सिक्स फाइव ईयर प्लान में नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फाइव ईयर प्लान डिड ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पे हुआ था थर्ड फाइव ईयर प्लान में नेक्स्ट विच फाइव ईयर प्लान इज कंसिडर्ड द मोस्ट अनसक्सेसफुल तो किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है यहां पे माना जाता है थर्ड फाइव ईयर प्लान को नेक्स्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ़ थर्ड फाइव ईयर प्लान फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द एनुअल प्लान रन तो तीन साल के लिए यहाँ पे एनुअल प्लान्स को बनाया गया था नेक्स्ट इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज़ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया द हाईस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे हाइएस्ट देखा गया था फ्रेंड्स फोर्थ फाइव ईयर प्लान में नेक्स्ट इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज इसरो इस्टेब्लिश्ड तो इसरो को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्थ फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज द स्लोगन गरीबी हटाओ गिविन तो गरीबी हटाओ का जो नारा है फ्रेंड्स ये सबसे पहली बार फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में दी गई नेक्स्ट वर्ट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड प्लान लीव दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी ये थी नाइनटीन सेवेंटी एट टू एटी नेक्स्ट विच फाइव ईयर प्लान सॉ द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिए करेक्ट आंसर सिक्स फाइव ईयर प्लान अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स ड्यूरिंग विच फाइव ईयर प्लान वॉज द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी डन बाई लकड़ावाल कमेटी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सेवेंथ फाइव ईयर प्लान आगे बढ़ेंगे इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड फ्रेंड्स यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये शुरू हुआ था एट्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान आगे बढ़ेंगे विच फाइव ईयर प्लान मार्ग फिफ्टी ईयर्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड अटल बिहारी वाजपेयी लेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नाइन्थ फाइव ईयर प्लान आपका अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेवंथ फाइव ईयर प्लान मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इलेवंथ फाइव ईयर प्लान का था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आगे बढ़ेंगे व्हाट वाज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान फ्रेंड्स ये ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान लास्ट प्लान था यहाँ पर और ये टू से लेकर टू तक था आपका अगला क्वेश्चन इन विच फाइव ईयर प्लान वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर टू थाउजेंड नाइन विच केम इन टू फोर्स इन द ईयर टू थाउजेंड टेन तो ये आया था फ्रेंड्स इलेवंथ फाइव ईयर प्लान के दौरान अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ कॉल्ड रोलिंग प्लान तो इनमें से किस यहाँ पे स्कीम को जो है रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है सिक्सथ फाइव ईयर प्लान को अगला क्वेश्चन विच फाइव ईयर प्लान वॉज पोस्टपोन्ड बाई जनता पार्टी अ ईयर बिफोर टाइम राइट आंसर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आपका अगला क्वेश्चन ब्रीड ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग डैश फाइव ईयर प्लान तो भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी ये हुई थी सेवन्थ फाइव ईयर प्लान के दौरान अगला क्वेश्चन रहेगा आपका विच वॉज द स्टेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन स्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है तो इसको गठन किया गया है 1952 में ओके तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा थ्योरी पार्ट हमने कवर किया और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी मैंने आपको बता दिए तो आपको बताना है कमेंट करके आपके फिफ्टी में से कितने आंसर्स जो थे फ्रेंड्स यहाँ पर राइट थे ओके चलिए अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन इन विच फाइव ईयर प्लान वाज इसरो स्टैब्लिश्ड तो इसरो को किस फाइव ईयर प्लान के दौरान स्टैब्लिश किया गया कमेंट करके बताएं अगला टेस्ट क्वेश्चन ऑन विच मॉडल वॉज द सेकेंड फाइव ईयर प्लान बेस्ड तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है ये भी हमें आप कमेंट करके बताएं ओके ये हो गया आपके टेस्ट क्वेश्चन इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी बताया हमारे पेड पी डी के वेबसाइट के बारे में यह है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी डॉट कॉम यहाँ पर आपको फ्रेंड्स रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक फ्रेंड्स परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं ओके चलिए तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे